टू स्टॉक्स टू वॉच इन 2021, ऐसे कौन से दो स्टॉक्स हैं जो आपकी रडार पे होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन 2021। 2020 से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग ईयर रहा, तो अभी 2021 आ रहा है, तो आप सभी लोगों को विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी हेल्दी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर दोस्तों। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हैप्पी न्यू ईयर, ये कूपन कोड, इंस्टेंट कूपन कोड हमने लॉन्च किया है ओनली फॉर 9 आवर्स या फिर रात के 12 बजे तक ही ये रहेगा। एंड 20% डिस्काउंट ऑन आर मॉडल पोर्टफोलियो, जिसको सबसे अच्छा रिस्पांस मिला है आप लोगों की तरफ से, इसीलिए उस पर 20% का डिस्काउंट हमने रखा है। तो जरूर investorsnet.in को विजिट कीजिएगा और वहां पे जाके वो डिस्काउंट आप डिस्काउंट कूपन कोड आप यूज कर सकते हो। और किसी भी प्रोडक्ट पे ये नहीं रखा है और ये एक्सटेंड भी नहीं होने वाला है आपको अगर लग रहा है तो, बिकॉज आई हैव नॉट टेकन एनी परमिशन अप्रूवल फ्रॉम एनी ऑफ दी अदर प्रमोटर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ये जस्ट मुझे लगा कि आप लोगों के लिए लॉन्च होना चाहिए, तो आई हैव जस्ट लॉन्च इट, सो ओनली फॉर 9 आवर्स, दैट वॉट आई हैव इन माई कैपेसिटी करेंटली। सो दो स्टॉक्स कौन से हैं, ये दो स्टॉक्स जो आपने आपके रडार पे रखने चाहिए और क्या स्ट्रेटेजीज इन स्टॉक्स ने, इन कंपनीज ने यहाँ पे चेंज की है जिसकी वजह से 2021 काफी अच्छा हो सकता है इन कंपनीज के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट स्टॉक है HDFC बैंक। यस, अगेन द सेम नेम आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, बट यहाँ पे जो चेंजेस, जो थॉट प्रोसेस थोड़ी सी चेंज होती हुई नजर आ रही है HDFC बैंक की, तो डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे। एक चीज तो देखनी होगी कि एक ऐसी यूफोरिक रैली हमने HDFC बैंक में नहीं देखी है, विजाविज बहुत सारे स्टॉक्स में थोड़ा सा यूफोरिया काइंड ऑफ क्रिएट हो चुका है। आई अंडरस्टैंड HDFC बैंक में बहुत ज्यादा करेक्शन भी नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा यानी से मतलब ऐसे कोई 40-50-60% काइंड ऑफ करेक्शन नहीं था, 25-30% का करेक्शन हमने देखा था, बट वहां से ये सारी चीजें रिकूप हो गई है। तो ऐसा क्या हो गया है, HDFC बैंक ने थॉट प्रोसेस ऐसी क्या चेंज की है? तो फर्स्ट थिंग, दे हैव स्टार्टेड टू फोकस ऑन कॉर्पोरेट लोन्स। तो जहां पे ये पर्टिकुलर कैटेगरी बहुत सारे लोगों को रिस्की लग रही थी, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर अच्छे कॉर्पोरेट्स, अच्छे लोन्स वहां पे अगर आइडेंटिफाई होते हैं और एक कंजर्वेटिव अप्रोच जो PSU बैंक्स ने यहाँ पे लिया हुआ है, उसका एक एडवांटेज यहाँ पे HDFC बैंक लेता हुआ नजर आ रहा है। करंटली 65% ऑफ द बिजनेस, लोन बिजनेस इज विद PSU बैंक्स एंड 35% इज विद प्राइवेट बैंक्स। इन कमिंग 5-10 ईयर्स दिस पर्टिकुलर सिनारियो विल बी कंप्लीटली ऑपोजिट। Private banks will have 65-70% allocation to the corporate to the total loans and 30-35% will go to PSU. So, yahan pe as a market leader, definitely HDFC looks quite well positioned. And these are the times, jaisa hum hamesha batate na, you should be greedy when everybody is fearful. You should be fearful when everybody is greedy. This particular logic applies everywhere in investing or financing industry. So that's what looks like HDFC Bank is trying to do over here. So that is a positive sign. The other thing, yahan pe jaise conservative approach PSU banks ne liya hai, so somebody's loss is somebody's gain. To wo advantage yahan pe HDFC Bank leta hua nazar aa raha hai. Recently humne dekha hai around 4-4.5% pe HDFC group ne acha khasa paisa bhi raise kiya hai. It shows ki capacity of the bank, capacity of this franchise to raise low cost capital. That is a very positive sign for the bank. तो ये भी बैंक की तरफ एक अच्छा पॉजिटिव साइन की तरह तरीके से हमने देखना चाहिए। एंड द लास्ट, PMC बैंक, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, ऐसे जो एपिसोड हो रहे हैं इस वजह से डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा मार्केट शेयर HDFC बैंक को एज अ मार्केट लीडर इन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस मिलता हुआ नजर आता है। एंड वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, 2021 is going to be a very challenging year for banking and financial services industry, specifically NBFCs. तो वहां पे जो strong franchises है, जिनका capital adequacy ratio काफी strong है, जिनकी capacity to raise capital काफी अच्छी है, उन banks को, उन NBFCs को काफी अच्छे दिन आने वाले समय में नजर आ सकते हैं। तो उसका भी advantage HDFC bank के लिए मिलता हुआ नजर आ सकता है। And the most important part, the valuation of this particular bank is not euphoric. तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। So passive flow जो index का है वो तो आता ही रहेगा इस bank में, plus उसके अलावा बहुत सारा interest और ज्यादा institutional investors की तरफ से भी बन सकता है। Already ये particular bank जो भी permitted limits है for institutional investors की, उसके नजदीक ही trade करता हुआ नजर आता है। तो आने वाले समय में अगर थोड़ा सा और ज्यादा
लीवे वहां पे मिलता है फॉर होल्डिंग इंस्टीट्यूशनल मनी इन दिस पर्टिकुलर बैंक, प्राइवेट बैंक, तो डेफिनेटली वो भी एक एक्स्ट्रा कैपिटल आ सकता है और उसकी वजह से भी थोड़ा और ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन इस बैंक का हो सकता है। तो इसीलिए इन 2021 वी शुड हैव दिस पर्टिकुलर कंपनी एचडीएफसी बैंक ऑन आर रडार। नाउ दिस सेकेंड स्टॉक और सेकेंड कंपनी जो आपके रडार पे होनी चाहिए और वो है टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है बट एक स्ट्रेटेजिक चेंज क्या हुआ है टाटा ग्रुप में उसके बारे में पहले बात करते हैं। सो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाटा ग्रुप का, टाटा सन्स का, वो है इट्स करंट चेयरमैन मिस्टर एन चंद्रशेखरन। एक चीज समझनी होगी, टाटा ग्रुप में जो भी प्रॉफिटेबिलिटी थी उसका जो प्रॉफिट सेंटर था, 80-85% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ टाटा ग्रुप वर कमिंग फ्रॉम TCS, जिसको ये सर हेड करते थे। और सो ही नोज, सो प्रॉफिटेबल, तो एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल रखना, बनाना, वो प्रॉफिट बढ़ाना, यही थॉट प्रोसेस से उन्होंने अपना बिजनेस चलाया था, TCS चलाई थी। और नाउ द फोकस ऑफ द टाटा ग्रुप इज लाइक दैट ओनली। तो अगर मतलब इट विल नॉट बी एग्जैजरेशन, बट अगर आपको रडार पे रखने हैं तो ऑल टाटा स्टॉक्स यू कैन कीप ऑन रडार बिकॉज now they have focusing more and more on the profitability. Obviously sustainability to rahegi, job losses wagere unko karne nahi hai, but being profitable is very important. It means capital allocation pe bahut zyada dhyan rakha ja raha hai from the Tata Group, so that is a very 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 positive sign for the shareholders of Tata Group. So Tata Motors, because it's a different story which is getting developed, that's why it should be on your radar. So Mr. N. Chandrasekharan, ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि टाटा मोटर्स को आपको रडार पे रखना है, बिकॉज फर्स्ट थिंग कि उन्होंने जो फोकस रखा है नेक्स्ट 3 इयर्स में टाटा मोटर्स वुड बी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी। दैट्स व्हाट देयर विजन इज, बाय 2023 टाटा शुड बी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव। इट मींस कि डेट वगैरह का जो बर्डन है वो अच्छा खासा कम करना है, अननेसेसरी जहां पे एलोकेशन, कैपिटल एलोकेशन हुआ है वो, या फिर होने का पहले प्लान था वो उन्होंने कंप्लीटली अवॉइड करना है। सो इट मींस द फोकस इज ऑन कंप्लीट प्रॉपर एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन, सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। देन द थर्ड रीजन इज द मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स का जो एक स्लैक देखा है हमने 2-2.5 साल का, आई थिंक इट लुक्स लाइक वर्स्ट इज बिहाइंड नाउ एंड वी आर सीइंग एन अपवर्ड जर्नी। जो फ्लीट मूवमेंट जो हो रहे हैं, जो फ्लीट ओनर्स होते हैं वो अभी ब्रेक इवन पे वापस आ चुके हैं एंड वहां से आई थिंक रेवेन्यू जनरेशन, प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। यूटिलाइजेशन जो है वो मोर देन 70% हो गया है एंड आने वाले समय में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से आई थिंक इट विल गो बैक अगेन टू द नॉर्मल सी। सो उस वजह से रिप्लेसमेंट डिमांड काफी अच्छी बढ़ सकती है। साइक्लिकल स्लोडाउन था, उसके ऊपर पैंडेमिक आ गया तो उसके और ज्यादा बॉटम हो गया, तो वहां से लुक्स लाइक अ वी शेप्ड रिकवरी इन कमर्शियल व्हीकल्स इज ऑन कार्ड्स एंड दैट्स व्हाट इज करंटली हैपनिंग एंड दैट्स व्हाई स्टॉक प्राइस में भी अच्छा खासा डिस्काउंटिंग हो चुका है। यू मस्ट बी थिंकिंग यार सर अब क्या बात कर रहे हो, 300-250% ऊपर आ चुका है ये पर्टिकुलर स्टॉक फ्रॉम द बॉटम, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका लाइफ टाइम हाई कहाँ था और आज ये कहाँ है। तो वहां पे भी अभी बहुत सारी चीजें हैं। आई एम नॉट सेइंग कि लाइफ टाइम हाई वो इमीडिएटली टच करने वाला है, बट द थॉट प्रोसेस इज लुकिंग क्वाइट गुड। सो अगर वो सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाती है तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि जो विजन उन्होंने रखी है, जो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होने की विजन उन्होंने रखी है, सो इट मींस कंपनी विल बी मच मच बेटर प्रॉफिटेबिलिटी इट विल हैव। सो उस वजह से अपसाइड डेफिनेटली हो सकती है, बट मतलब वहां पे ये कंटिन्जेंसीज होनी चाहिए कि अगर वो नहीं होगा तो देन इट कैन थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी कर सकती है। और लास्ट रीजन द पैसेंजर व्हीकल सेल, अल्ट्रोज की बात अगर हम करें, नेक्सॉन की बात हम करें, या फिर हैरियर को जिस तरीके से रेस्पॉन्स आ रहा है, एंड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो थॉट प्रोसेस टाटा मोटर्स की बनती हुई नजर आ रही है, एक एग्रेसिवनेस, एक एग्रेसिव पुश वहां से आता हुआ नजर आ रहा है। टाटा पावर ये भी एक कंपनी है, बहुत ज्यादा नजर में आ रही है, तो वो भी एक कंपनी है एज अ टाटा ग्रुप आपकी नजर पे होनी चाहिए। उस पर भी एक छोटा सा वीडियो जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूं आप लोगों के लिए। सो यहां पे टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल का जो सेगमेंट है वो काफी अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है। धीरे 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 सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें इंडिया में कंजम्पशन, मतलब फोर व्हीलर का अगर कंजम्पशन अगर आप देखोगे तो सेफ्टी पॉइंट, सिक्योरिटी पॉइंट ये बहुत ज्यादा दिमाग में लोगों के, परचेसर के आ रहा है। दैट्स व्हाई वी आर सीइंग मोर एंड मोर पेनिट्रेशन इन दीज सेफ कार्स, बिकॉज जो रेटिंग्स आती है इन कार्स की, नेक्सॉन हो, अल्ट्रोज हो या फिर हैरियर हो, आई थिंक इट इज मच 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 बेटर कंपेयर टू द अदर हाई सेलिंग कार्स ऑफ मारुति।
तो वो एक एडवांटेज भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ये अवेयरनेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ये दिमाग हमेशा लगता है कि भाई व्हाट द कंज्यूमर इज थिंकिंग, इफ कंज्यूमर इज थिंकिंग पॉजिटिवली सो डेफिनेटली दे विल हैव दे विल गिव सम प्रीमियम वैल्यूएशन टू दीज कंपनीज। तो ये भी हमने याद रखना चाहिए दोस्तों। सो मैं आशा करता हूँ कि ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया इस चैनल के हिसाब से, बट जरूर आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा मैं आशा करता हूँ। एंड हैप्पी न्यू ईयर, ये कूपन कोड प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा, investedinnow.in को विजिट कीजिएगा और वहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा ओनली एंड ओनली ऑन आर मॉडल पोर्टफोलियोस। तो जरूर विजिट कीजिएगा investedinnow.in को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।